हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ओडिशा की एक फेमस पीठा की रेसिपी, जिसको हम पोड़ो पीठा बोलते हैं। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इस पीठा को बनाता है, तो मैंने भी कुछ डिफरेंट ट्राई किया है यहाँ पे, और आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल राइस को रात भर भिगो के रखा था और उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ सेम बोल में एक बोल भर के ग्रेटेड नारियल। अभी हल्का पानी ऐड करके इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बैटर का थिकनेस आप देख सकते हैं, इतना ही रखना है, बहुत पतला ना करें। इसको हम थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट मैंने कढ़ाई में पानी गर्म किया है और उसके ऊपर एक स्टीमर लगा दिया है। हम स्टीम करेंगे एक स्वीट पोटैटो को, जिसको मैंने ऐसे काट लिया है। सारी पीसेस को हम स्टीमर के ऊपर रखेंगे और 10 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम कर लेंगे। दस मिनट के बाद ढक्कन हटाकर हम देख लेंगे और ये हमारा स्वीट पोटैटो बिल्कुल गल चुका है। अभी इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। स्वीट पोटैटो हमारा ठंडा हो चुका है, अभी इसको ब्लेंडिंग जार में ऐड कर देंगे। देन मैंने यहाँ पे अराउंड 200 ग्राम ऑफ जागरी पाउडर लिया है। आप चाहे तो शुगर का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही हल्का पानी ऐड करना है और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। हमने जो बैटर बना के रखा था उसमें ये स्वीट पोटैटो और जागरी वाला मिक्सर ऐड कर देंगे। देन हम दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन बैटर में हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर। नेक्स्ट इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर। 1/4 टीस्पून अराउंड इसमें अजवाइन भी ऐड करेंगे और सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए एक बे लीफ को मैंने यहाँ पे काट के ऐड किया हुआ है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी गरम करेंगे और उसमें फ्राई कर लेंगे ये कटा हुआ नारियल। 2 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसमें थोड़े से काजू भी ऐड करके हम फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े से किशमिश भी लिया है, तो उसको भी ऐड करके उसके साथ फ्राई कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने घी के साथ रोस्ट कर लिया है, अभी ऐड कर देंगे बैटर के ऊपर। ड्राई फ्रूट्स को बैटर के साथ अच्छे से मिला लें। देन फाइनली मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, ताकि ये अच्छे से फूल सके। जिस कढ़ाई में मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था, उसी कढ़ाई में ये बेक करूँगी। तो उसके ऊपर मैंने थोड़े से बनाना लिप्स को काट के लिया है और उसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। और उसके ऊपर ऐड कर लेंगे 2 से 3 चम्मच घी, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे घी को। इसके ऊपर हम पोर कर लेंगे बैटर। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर से थोड़े से चेरी लिया है। आप चाहे तो ये स्किप कर सकते हो, या फिर अपना मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। मैंने ऊपर से फिर से 2 से 3 चम्मच घी के लिया है। अभी इसको ढक्कन लगा देंगे और ये जो होल है उसको भी सील कर देंगे। अराउंड 40 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में कुक करने के बाद पीठा मेरा अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। ये टाइमिंग डिपेंड करता है आप कौन सी बर्तन में ये पीठा पका रहे हो और कितना फ्लेम यूज़ कर रहे हो। कभी कभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा या फिर तो थोड़ा कम भी टाइम लग सकता है। अभी पीठा के नीचे से जितने सारे जो बनाना लीप से हम हटा देंगे, आप देख सकते हैं नीचे से ये हल्का बर्नड हुआ है। हमें बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए, क्योंकि इसको पोड़ो पीठा बोलते हैं और पोड़ो मीन्स बर्नड, और इसका बर्न फ्लेवर ही इसकी खासियत है। मेरे सारे ओडिया व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है, ये वाला रेसिपी बिल्कुल इस रोजो को ट्राई करना।
आप चाहे तो स्वीट पोटैटो के जगह मैंगो भी यूज कर सकते हो, पर ये वाला रेसिपी पक्का ट्राई करना। आई विल सी यू सून विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।